रियोन किंग थॉर वर्सेस सुपरमैन की शोडाउन वाले वीडियो में आप में से कई व्यूवर्स ने ये कहा था कि यहाँ पर रियोन किंग थॉर की मोस्ट पावरफुल फॉर्म है, तो वही सुपरमैन नॉर्मल फॉर्म में है और ये एक मिसमैच है। तो आज की इस वीडियो में हम रियोन किंग थॉर वर्सेज सुपरमैन 1 मिलियन के बीच उनकी पावर्स एंड एबिलिटीज के बेसिस पर शोडाउन करेंगे और उसके बाद आप कमेंट करके बताना कि इनमें से कौन ज्यादा पावरफुल है। तो वीडियो को आखिर तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। पहले जान लेते हैं रियोन किंग थॉर की पावर्स के बारे में और उसके कुछ पावरफुल मूवमेंट्स के बारे में। तो रियोन किंग थॉर के पास रियोन मैजिक और ओडिन फोर्स की पावर्स है। रियोन मैजिक से थॉर प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को एक साथ देख सकता है। मैंगोक जैसे पावरफुल विलन जिसके पास मिलियंस ऑफ सोल्स की पावर्स थी और जो ओडिन को भी टक्कर दे चुका था और पूरे एसगार्ड को डिस्ट्रॉय कर चुका था, उसे रियोन किंग थॉर ने सिर्फ अपने एक हाथ से रोक लिया और रियोन मैजिक से उसके एग्जिस्टेंस को ही यूनिवर्स से खत्म कर दिया था। रियोन किंग थॉर के पास टेलीपोर्टेशन और टेलीपैथी जैसी पावर्स है जिससे कि वह यूनिवर्स में कहीं पर भी खुद को और किसी दूसरे बींग को भी टेलीपोर्ट कर सकता है और उससे कम्युनिकेट भी कर सकता है। रियोन किंग थॉर डेथ को ओवरपावर कर चुका है जिससे कि अब वो इमोर्टल बन गया है। रियोन किंग थॉर ओडिन से भी ज्यादा पावरफुल है। अपने मैजिक से लोकी के सिर को उसके शरीर से अलग करने के बाद भी जिंदा रखा था। मल्टीवर्सल और इंटर डायमेंशनल ट्रेवल भी कर सकता है। उरु मेटल से बने हुए वेपन्स को उसने वुडन क्लब में चेंज कर दिया था। लोकी की पूरी अलायंस को खत्म कर दिया और वेलहेला को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। और इन सब के साथ ही रियोन किंग थॉर के पास ओडिन फोर्स एम्पावरमेंट, रियोन मैजिक, रियलिटी वार्पिंग, यूनिवर्सल मैनिपुलेशन, कॉस्मिक एनर्जी मैनिपुलेशन, सब एटोमिक, स्पेस टाइम, सोल और मैटर मैनिपुलेशन, माइंड कंट्रोल, टेलीपैथी, इमोर्टिलिटी, गॉड टायर स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना, ट्रांस डायमेंशनल टेलीपोर्टेशन और ट्रेवल, लाइट स्पीड फ्लाइट, इन्फिनाइट स्पीड, कॉस्मिक अवेयरनेस, टेलीस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक साइट के साथ ही सुपरनेचुरल साइट और हियरिंग जैसी पावर्स भी है। और अब बात करते हैं सुपरमैन 1 मिलियन की पावर्स और पावरफुल मूवमेंट्स के बारे में। तो सुपरमैन 1 मिलियन 15,000 सालों तक सन के अंदर रहा और सन के रेडिएशन को एब्जर्व किया जिससे सुपरमैन का कलर गोल्डन हो गया, इसलिए उसे गोल्डन सुपरमैन भी कहते हैं। इतने टाइम तक सन में रहने की वजह से सुपरमैन 1 मिलियन की पावर्स नॉर्मल सुपरमैन के कंपैरिजन में काफी ज्यादा इनहांस हो गई थी। सुपरमैन 1 मिलियन पर किसी भी तरह के क्रिप्टोनाइट और नॉर्मल सुपरमैन की वीकनेस काम नहीं करती। सुपरमैन 1 मिलियन के पास जैसी पावर्स है वैसी पावर्स अब तक डीसी यूनिवर्स में किसी भी सुपर ह्यूमन या मेटा ह्यूमन ने पजेस नहीं की है। लेकिन ये पावर्स क्या थी इसके बारे में कॉमिक्स में कभी भी क्लियरली एक्सप्लेन नहीं किया गया। सुपरमैन के पास लो लेवल रियलिटी वार्पिंग की पावर्स भी है। ग्रीन लैंटर्न रिंग से उसकी पावर्स और ज्यादा एम्पलीफाइड हो जाती हैं। बात करें इंटेलिजेंस लेवल की तो सुपरमैन इंटेलिजेंस लेवल में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीनियस है। सुपरमैन 1 मिलियन मोस्टली हर तरह के रेडिएशन को एब्जर्व कर सकता है। सुपरमैन 1 मिलियन के पास वो सभी पावर्स है जो नॉर्मल सुपरमैन के पास थी, लेकिन ये पावर्स नॉर्मल सुपरमैन के कंपेरिजन में काफी ज्यादा इन्हांस है। स्पीड ऑफ लाइट से फास्ट उड़ सकता है। सुपरमैन इमोर्टल है और मरे हुए लोगों को भी जिंदा कर सकता है कुछ हद तक। सुपरमैन 1 मिलियन अपनी पावर्स को दूसरों के साथ शेयर कर सकता है जिससे उनके पास भी सुपरमैन जैसे ही पावर्स आ जाए। इन सब के अलावा सुपरमैन इनवल्नरेबल है। बुलेट्स, मिसाइल, बॉम्ब्स और किसी तरह के वेपन से उसके ऊपर किए गए अटैक का उसके ऊपर एक स्क्रैच भी नहीं आता है। सुपर ह्यूमन विजन जैसे एक्सरे विजन, टेलीस्कोपिक विजन, माइक्रोस्कोपिक विजन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विजन और हीट विजन जैसी पावर्स भी है। इसके अलावा सुपर ब्रीथ, फ्रीजिंग ब्रीथ, रियलिटी अल्ट्रेशन जैसी पावर्स भी हैं सुपरमैन 1 मिलियन के पास। इन पावर्स के साथ सुपरमैन 1 मिलियन ने कई यूनिवर्सल और मल्टीवर्सल कैरेक्टर से फाइट की है और उन्हें अकेले या अपनी टीम के साथ मिलकर डिफीट भी किया है। अब सुपरमैन 1 मिलियन और रियोन किंग थॉर की पावर्स के बारे में जानने के बाद आप कमेंट करके अपना ओपिनियन बताना कि दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है और इनकी फाइट का विनर कौन हो सकता है। वैसे रियोन किंग थॉर की सभी पावर्स हमें कॉमिक्स में दिखाई गई है, तो वही सुपरमैन 1 मिलियन की पावर्स को कॉमिक्स में अभी तक क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया। इसका मतलब है कि सुपरमैन की पावर्स लिमिटलेस है जो अब तक किसी भी डीसी कैरेक्टर को नहीं मिली है। तो इन सब फीट्स के बेसिस पर आपके हिसाब से कौन विनर होगा इस फाइट का कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। Warriors around, don't get caught in the mosh pit. Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across it. Got a 40 on my hip and I'm liable to spark it.